हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा अग्रवाल आज आपको सिंधी टाके में ये पैच वाला पैटर्न बता रही हूँ। इसमें मैंने तीन कलर लिए हैं, येलो, वाइट और ब्लू। तो चलिए आज इसे देखते हैं, बनाते हैं। आज हम ये आला पैटर्न बनाएंगे और इसको कवर करेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ से लेंगे, इसे मैं रेगुलर सिंधी एम्ब्रॉयडरी से बना रही हूँ, जो हम रूटीन में डबल टाका सिंधी एम्ब्रॉयडरी करते हैं। धागा नीचे से ऊपर, फिर थोड़ा लाइन से आगे जाके ये यहाँ लेंगे। हमारा धागा ऊपर रहेगा और इस तरफ लाइन का एंड से आएंगे और इधर आएंगे। धागा ऊपर रखेंगे क्योंकि लाइन इस तरह की है और यहाँ पर लाइन नीचे है। यहाँ ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसलिए लाइन ऊपर आएगी। यहाँ लेंगे, यहाँ भी ऊपर रहेंगे धागा, क्योंकि लाइन ऐसी बन रही है और इसका पैरेलल कॉर्नर में लाइन क्या है, ये वाली नीचे है, तो यहाँ ऊपर। मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए लेसन 80 बनाया है, आप देख सकते हैं 80 और 4 है। यहाँ पर धागा ऊपर और ये अंदर जाएगा धागा। यहाँ लेंगे, यहाँ धागा ऊपर, सेम वही है। देखिए ये ऊपर है धागा, ये ऐसी लाइन का है क्योंकि मेरी लाइन ऐसी ही बन रही है आड़ी, और ये ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसलिए धागा ऊपर जाएगा। यहाँ ले लेते, यहाँ धागा ऊपर, यहाँ लेते, यहाँ धागा ऊपर रख के इसको लेंगे। यहाँ से यहाँ भी हमारा धागा ऊपर जाएगा, यहाँ अंदर जाएगा, इस तरफ लेंगे। धागा ऊपर, यहाँ धागा ऊपर, इधर धागा ऊपर रख लेंगे और ये अंदर डाल देंगे। ऐसे ले लेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पर हमें देखना है धागा ऊपर या नीचे, तो लाइन इस तरह की नीचे है, तो ये वाला धागा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ ऊपर रखेंगे क्योंकि ऐसा वाला धागा नीचे चला गया और ये अंदर। यहाँ रखते, आप मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लीजिए अगर पहली बार देख रहे तो। ये ऊपर, फिर ये नीचे, और यहाँ नीचे है तो हम यहाँ ऊपर रखेंगे। यहाँ लेते, धागा ऊपर रखेंगे और यहाँ भी धागा ऊपर, और ये देखिए ये वाला धागा ऊपर है हमारा, तो यहाँ अंदर चला जाएगा। और यहाँ नीचे है, ये धागा नीचे है, तो यहाँ ये ऊपर आ जाएगा। इसको ले लेते हैं और ये अंदर डालेंगे। ये एक बार का आधा प्लस हो गया, इसको ले लेते हैं यहाँ से, ये प्लस, यहाँ से ये देखिए ये क्या है, ऊपर, तो हम इसको अंदर डालेंगे, अंदर, ठीक है, फिर ऊपर, फिर ये अंदर, फिर ऊपर और फिर ये इस तरफ। यहाँ धागा ऊपर जाएगा क्योंकि जो खड़ी लाइन है वो यहाँ पर पैरेलल में नीचे है, यहाँ ऊपर और फिर ये नीचे, फिर ये नीचे और ये आगे जाएगा। इस तरफ लेते, यहाँ और ये ऊपर और ये अंदर, इस तरह से ये देखिए नीचे निकाल देंगे और ये हमारा कच्चा टाका कंप्लीट होता है। इसके फिलिंग करते हैं, यहाँ से निकालेंगे थ्रेड अपना, ये हुए वाला हमारा फर्स्ट में नीचे जाता है थ्रेड, ये फर्स्ट में और फिर ये वाले पोर्शन में, छोटा स्पेस बोलती हूँ मैं इसे, और ये फिर फर्स्ट में, जो बॉक्स का पहला वाला धागा है और लास्ट में ऊपर, फर्स्ट में नीचे, ये फर्स्ट इस बॉक्स का ये पहला है, तो यहाँ फर्स्ट में नीचे, यहाँ हम फर्स्ट में नीचे डालेंगे और जो आखिरी बॉक्स है उसमें ऊपर रख रहे हैं। फिर इसका पहला बॉक्स है, ये बॉक्स का पहला वाला धागा है, तो इसमें फर्स्ट में नीचे। लेकिन ये पोजीशन आपको तब मिलेगी जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे, कच्चा टाका में आप अगर क्लॉकवाइज निकल धागा लेंगे तब आपको ये पोजीशन मिलेगी। यहाँ पर आपके दो धागे तो नीचे जाएंगे, दो धागे ऊपर रहेंगे अल्टरनेट्स।
फर्स्ट में नीचे, फिर सेकंड में ऊपर जाएगा, थर्ड में नीचे, फिर फोर्थ में ऊपर, ऐसा रहेगा। यहाँ फर्स्ट में नीचे और जहाँ पर हमें आखिरी में मिलेगा स्पेस, फिर ये फर्स्ट में नीचे तरफ से लेंगे और ये यहाँ देखिए। अब ये चार वाला धागा आ गया हमारे पास, तो हम इसको लेते हैं, ये फर्स्ट में नीचे और ये थर्ड में, फिर ये और इस तरफ यहाँ लेंगे। अब इसमें फिर ये छोटे स्पेस में, फिर ये फर्स्ट में बॉक्स के अंदर, यहाँ ये बड़ी बड़ी लाइनें रहती है ना, तो ये थोड़ी लाइनें सीधी करती जाएगी वाली, फर्स्ट में नीचे इस तरफ लेते हैं, ये लास्ट में यहाँ लेते हैं, और ये फर्स्ट और ये थर्ड, फिर इस तरफ लेंगे फर्स्ट और ये छोटे स्पेस में से, ये फर्स्ट में यहाँ पर ये छोटे स्पेस से और ये फर्स्ट यहाँ लेंगे। काफ़ी सारे वीडियो हमारे हो गए हैं सिंधी एम्ब्रॉयडरी में, 115 तो हो ही गए हैं, 116 भी हो गया है। ये यहाँ ले लेते, फिर ये, फिर इस तरफ यहाँ पर चार वाला है, फर्स्ट और ये थर्ड, फिर इस तरफ लेंगे फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट और यहाँ आएंगे, यहाँ फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि हमें अभी फर्स्ट मिल रहा है और ये अभी हमें स्पेस मिल रहा है, यहाँ लेते हैं फर्स्ट और इधर भी फर्स्ट, अब ये थर्ड है, इसको ले लेते हैं, इस तरफ से ले लेते हैं, ये हाँ ये आया फर्स्ट और ये आया थर्ड और ये छोटा स्पेस, इस तरफ से ये हमारा एक बार का कच्चा टाका हो चुका है। अब हम सेकंड टाइम का कच्चा टाका यहाँ से करेंगे, इसका ये यहाँ से लेंगे और इसको चार वाला है, देखिए यहाँ से दिखा देखेंगे आप तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट और ये थर्ड, इसको उठा लेते हैं, हम जाएंगे अपने इस बॉक्स के चार ओर, ये बीच वाले के, तो ये फर्स्ट और ये फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट और थर्ड, और जहाँ से हम आए थे जिस बॉक्स से शुरू किया था हमने वहाँ पर हम ख़त्म करेंगे ये यहाँ। अब हम इस बॉक्स को ले लेते हैं, ये वाले ऊपर में ये, अब हम इस बॉक्स के चार ओर जाएंगे, ठीक है, यहाँ लेंगे फर्स्ट और ये थर्ड यहाँ से, फिर इस तरफ फर्स्ट और ये थर्ड, ठीक, इस तरफ से ले लेंगे फर्स्ट और ये यहाँ भी फर्स्ट आएगा और ये थर्ड आ जाएगा, यहाँ भी इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम कहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ यहाँ हमें फर्स्ट और थर्ड दिख रहा है, हमें उसी तरफ से अपने को ले जाना है, तो हमारा इस तरफ जाता धागा ये वाला। अब हम इस बॉक्स के चार ओर जाएंगे, फर्स्ट और ये थर्ड ये, फिर इस तरफ लेंगे तो फर्स्ट पड़ा और यहाँ लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड, यहाँ से ले लेते ये फर्स्ट और ये थर्ड, देखिए अभी हमारा कौन सा बच्चा बॉक्स
यहीं से लेंगे। हमें हमेशा ये क्लॉकवाइज से हम अपनी सुई निकालेंगे इस तरफ राइट साइड में, फर्स्ट और ये थर्ड। अब इस तरफ ये वाला, अब ये लास्ट ही बॉक्स है, फर्स्ट और ये थर्ड। फिर आप देखिए ये फर्स्ट और ये थर्ड, यहाँ से आपको चारों मिल रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, चार धागे मिल रहे हैं। अब ये पूरा फिनिश होता है, ये देखिए ये वाला पूरा फिनिश हो गया। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम ये वाला ब्लू बना लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाइट और वाइट कर दिया और यहाँ येलो येलो करके येलो येलो करा, और इसको नीचे वाले में सब में ब्लू करा है। तो यहाँ से ले लेते हैं ये बॉक्स में, और हम अपने क्लॉकवाइज से जाते हैं, इसलिए हम अपना क्लॉकवाइज रखेंगे अपना टाका को। यहाँ से लेके ये धागा ऊपर रहेगा, यहाँ ऊपर में ऊपर रहेगा हमारा धागा, और यहाँ पर नीचे जाएगा, यहाँ अंदर जाएगा। इसलिए नीचे क्योंकि लाइन इस तरह की नीचे है, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, इसलिए ठीक है। तो ऊपर में हमारा धागा क्या जा रहा है, ऊपर, और नीचे में हमारा क्या जाएगा, इस धागे के नीचे। तो यहाँ पर हम ऊपर में रखेंगे ऊपर, और नीचे में रखेंगे अपना धागा अंदर, फिर ऊपर में ये, और यहाँ पर ऊपर रख रहे हैं तो यहाँ भी तीनों बॉक्स भी ऊपर जाएगा हमारा धागा। यहाँ ले लेते पलट के ये ऊपर। अब ये वाला देखिए, यहाँ अंदर, ये ऊपर है, ये नीचे, ऊपर, यहाँ ऊपर है तो यहाँ धागा क्या जाएगा, नीचे। बहुत सिस्टमेटिक बनाया जिसने भी बनाया सिंधी एम्ब्रॉयडरी को। धागा हमारा अपने बिल्कुल हिसाब से चलता है, ऊपर और ये नीचे, फिर ये अंदर, फिर ऊपर और ये अंदर, और यहाँ नीचे। ये पैटर्न ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे मोटिफ को लेके एक बड़ा पैच तैयार हुआ है हमारा यहाँ पर अंदर। इसको टाइट करेंगे, हाँ ये यहाँ पर लॉक करते हैं। अब हमारा पक्का टाका होगा इसमें, यहाँ से फर्स्ट में नीचे, हाँ ये फर्स्ट में नीचे, और ये छोटे वाले स्पेस से, फिर यहाँ पर फर्स्ट में नीचे और ये छोटे वाले स्पेस से। अभी हम ऊपर ऊपर की पूरी फिलिंग को एक साथ लेंगे, और यहाँ पर फिर दोनों थ्रेड आपस में लग गए हैं, इसमें फर्स्ट में नीचे यहाँ लेंगे, फर्स्ट में नीचे, और ये यहाँ से फर्स्ट में नीचे, और फिर ये छोटे वाले स्पेस में। देखिए हमारी हर जगह सिंधी एम्ब्रॉयडरी का फिलिंग का तरीका सेम होता है, चाहे हम कोई सी भी करें। और काफ़ी सारे अलग अलग सिंधी एम्ब्रॉयडरी है जो सिंगल टका है, उसमें भी हम सेम ही फीलिंग करते हैं। यहाँ से लेंगे ये, यहाँ फर्स्ट में नीचे जाता है धागा, और फिर ये छोटे वाले स्पेस में, और ये फिर फर्स्ट में, यहाँ से यहाँ भी फर्स्ट जाएगा, और ये अंदर। अब हम रिटर्न आएंगे इसके वापस, यहाँ पर छोटे वाले स्पेस से लिया और ये फर्स्ट ले लिया, इधर से वापस लेते हैं। तो यहाँ छोटे वाले स्पेस में, और ये चार वाला तो हमारा क्या जाएगा, धागा, ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये थर्ड। फिर इस तरफ से लेंगे फर्स्ट, और ये अपने छोटे वाले स्पेस में निकाल लेंगे। फिर इधर से ले लेंगे फर्स्ट, और ये
थर्ड इस तरफ से लेंगे, ये यहाँ से, ये फर्स्ट और ये थर्ड, यहाँ से लेंगे, यहाँ छोटे स्पेस में, और ये फर्स्ट और ये थर्ड यहाँ ले लेते हैं। इस तरफ जाएगा धागा, फर्स्ट और ये थर्ड, यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से फर्स्ट और ये थर्ड, फिर इस तरफ लेंगे, यहाँ फर्स्ट और ये थर्ड, फिर यहाँ चलते हैं, ये यहाँ अंदर। देखिए इस तरह से ये बनने से ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। या इसे आप कहीं भी पैच में यूज़ कर सकते हैं सूट वगैरह में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।